बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेकुलर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑस्मोरेगुलेशन का इंट्रोडक्शन कर लिया था, जिसके बारे में जिसको हमने होम्योस्टेसिस के अंदर डाला था। हमने कहा था कि जी होम्योस्टेसिस, जिसके अंदर हम इंटरनल इन्वायरमेंट के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, उसमें एग्जाम्पल ऑस्मोरेगुलेशन की थी कि जिसमें वाटर बैलेंस आया था। ठीक है, कि किस तरह वाटर बैलेंस होता है। सही। सो वाटर बैलेंस की आपको समझाने से पहले एक एग्जांपल देता मैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ड्राई फ्रूट है, ठीक है, ड्राई फ्रूट तो आपने यूज़ किए होंगे, जिस तरह किशमिश वगैरह होती है। सही। सो ड्राई फ्रूट आप पानी में डालते हैं, लाइक इट इज वाटर, वाटर के अंदर आप ड्राई फ्रूट प्लेस करते हैं। सही। पहले ये सूखी सी होगी, पतली सी होगी, ठीक है, आफ्टर अ वाइल, इन कुछ टाइम गुजरने के बाद आप देखेंगे ये फैल जाएगी या फूल जाएगी। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, आप उन्हें पानी में डालेंगे सो वो कुछ देर बाद फूल जाएगी। इसकी क्या रीजन होती है, वाई ऐसा क्यों होता है? सो बेसिकली होता यह है कि जो पानी होता है ये ट्रेवल इनसाइड द दिस, यानी इस ड्राई फ्रूट के अंदर चला जाता है। सही। यानी पानी H2O जो बाहर हमने यूज किया था वो इसके अंदर कह लेंगे जमा हो जाएगा। सही। इसे कह लें आप सिंपल ऑस्मोसिस। इस टर्म को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस, यानी वाटर जो है वो सेल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है ये एक लिविंग सेल का पार्ट है, तो ये सेल से बना होगा। ठीक है, तो इसके सेल्स के अंदर वाटर जाएगा, इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। सो शुरू में ये क्या था, यानी ड्राई कंडीशन के अंदर ये फ्लेक्सिड था, फ्लेक्सिड से मतलब सुकड़ा हुआ था। ठीक, लेकिन जो ही हम इसे पानी में डालते हैं थोड़ी देर बाद ये टर्जिड हो जाता है, कि ये फैल जाएगा या फूल जाएगा। सही। सो ये किस्म का क्या, यानी ये आपको सेल की कंडीशन बता रहे हैं, जिस तरह एक फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, अगर हम इसे सेल के तौर पर कंसिडर करें, अगर हम इसे पानी में डालेंगे, शुरू में ड्राई कंडीशन में था, तो जब पानी में जाएगा तो ये फ्लेक्सिड होगा। वजह क्या होती है कि इसके जो इनसाइड इन्वायरमेंट होती है, इसके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन होती है, H2O कंसंट्रेशन, ये लो होती है। ठीक, जबकि जो बाहर का इन्वायरमेंट है इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन जो उनसी है वो ज्यादा होगी। सही, वाटर कंसंट्रेशन यहाँ बाहर ज्यादा होगी, सिंपली बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, के डिफ्यूजन के थ्रू वाटर जोन से आउटसाइड से इनसाइड ट्रेवल करेगा। ठीक, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रेवल करते हैं, यानी दैट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी डिफ्यूजन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब पहले जो सी केस है इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि पानी जो सा है इस सेल के अंदर या इस खुश्क मेवा जा जिसकी हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है, इसके अंदर कम था, बाहर पानी ज्यादा था, तो पानी बाहर से अंदर ट्रेवल किया। ठीक, और एक कंडीशन ऐसी है कि जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है, यानी अंदर की कंसंट्रेशन बाहर की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा और डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस उस टाइम कहते हैं कि जब ये मूवमेंट या ये डिफ्यूजन जो सी है थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो, थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, पढ़ा हुआ है हमने, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके अंदर लिपिड बायलेयर होती है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सारा कुछ। सो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर कह लेंगे डिफ्यूज होगा, ठीक है, जब वाटर सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज होगा उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक, सो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो आपको पहले से पता होने चाहिए थे। सही, अब हम आते हैं कंडीशंस के अंदर के व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशंस जो के वाटर रेगुलेशन सेल्स के अंदर आ सकती हैं। सही, इसके अंदर एक डायग्राम आपको दिखाते हैं। सो इस डायग्राम के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर एक एनिमल सेल है, वन इज एनिमल सेल, वन इज प्लांट सेल। सही, और ऊपर आपको तीन कंटेनर नजर आ रहे हैं। सही, इसके अंदर सेंटर के अंदर एक दीवार सी है, ठीक है, इस दीवार का मेन फंक्शन है, इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, या समझ लें कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इट इज सेल मेम्ब्रेन। और ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है, यानी जो थोड़ा बहुत येलो कलर में है या पेल येलो कलर में है, और दूसरा जो सा इनसाइड ऑफ द सेल है जिसके अंदर, यानी ये इनसाइड है सेल की,
और ये आउटसाइड है, यानी ये वाली जो पार्ट है इट इज आउटसाइड। सो अगर हम देखें, अगर बाहर जो से ये जो स्पार्स छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, ये सल्यूट है, ठीक है। यानी अगर बाहर सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, सो वाटर क्या करेगा, इनसाइड टू आउटसाइड ट्रेवल करेगा, ठीक है। वाटर इनसाइड टू आउटसाइड, इस कंडीशन को आप हाइपरटोनिक कहते हैं, यानी अब जो बाहर सोल्यूशन है वो ज्यादा है, ठीक। यानी अब हम टोनिसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, के विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट कंसंट्रेशन अगर बाहर ज्यादा होगी, ठीक है, अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर आउटसाइड, के सेल से बाहर या जो भी स्ट्रक्चर पड़ा है उसके बाहर ज्यादा होगी, तो उसे हम हाइपरटोनिक में डालेंगे, ठीक है। इट विल कम इन द हाइपरटोनिक। व्हाई? अब मैं इसकी अलग से एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। मसलन ये कंटेनर है जिसका जिसके अंदर ये सेल पड़ा हुआ है, सही। इट इज अ सेल जिसके सेंटर पर न्यूक्लियस है, सही। अगर बाहर ज्यादा सोल्यूट मौजूद है, इफ सोल्यूट इज मोर आउटसाइड, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली वाटर विल मोर डायरेक्टेड, या वाटर विल मोर कम, या वाटर विल कम आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, कि सेल से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन सोल्यूट के मुकाबले में कम हो जाएगी। अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट अंदर ज्यादा है, सॉरी अंदर कम है, सोल्यूट इज लेस इनसाइड और बाहर ज्यादा है। सो वाटर क्या करेगा, इसमें से डिफ्यूज आउट होगा, यानी इसकी एक्समोसिस होगी, ठीक है, यानी ये अंदर से बाहर आएगा, सही। और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल विल श्रिंक लाइक दिस। यानी अब सेल अपना साइज लूज कर देगा, यानी इसकी जो टोटल जो साइज होगा वो कम हो जाएगा, सही। क्यों? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा थी, क्योंकि वाटर ने तो अपना बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है, यानी उसने हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज होना है, सही। सो इस केस में क्या था कि बाहर सोल्यूट ज्यादा था, इसका क्या मतलब कि वाटर बाहर कम होगा, सही। सोल्यूट ज्यादा होने से मतलब वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वाटर अंदर से बाहर आएगा, जिसकी वजह से जो सेल साइज है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक। तो ये केस आपको यहाँ पे फिगर में भी नजर आ रहा है। सो वाटर ये इनसाइड ऑफ द सेल से बाहर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि बाहर सोल्यूट ज्यादा है, ठीक। और फिर क्या होगा, जो सेल साइज है वो श्रिंक कर देगा, नहीं आपको यहाँ पे भी डायग्राम में नजर आ रहा है, सेल लॉस वाटर एंड श्राइवल या श्रिंक भी कह सकते हैं। सिमिलरली प्लांट सेल में भी आप देखें तो इसका जो अंदर साइटोप्लाज्म है, इसका जो मास है वो कम हो चुका है, ठीक। एक कंडीशन आती है आइसोटोनिक, यानी आइसोटोनिक से मुराद के जो सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल है, लाइक मैं अगर यहीं पे ड्रा करूं, ये सेल है, जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल सेम है, ठीक है। यानी जितना सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर सोल्यूट मौजूद है, इनसाइड या आउटसाइड कह लें, इट इज इक्वल टू सोल्यूट इनसाइड, जो सोल्यूट इनसाइड मौजूद होगा। सो अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, सो नेट बैलेंस रहेगा, बट यानी कह रहे हैं कि जितना वाटर आउटसाइड जाएगा इतना ही वाटर इनसाइड आएगा, सो एक किस्म का बैलेंस होगा। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा या जो कंडीशन होगी, इसे हम आइसोटोनिक कंडीशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर भी इक्वल है और अंदर भी इक्वल है, सो डिफ्यूजन नेगेटिव होगी, यानी सॉरी डिफ्यूजन यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है, कि वाटर ना डिफ्यूज इन होगा ना डिफ्यूज आउट होगा। हाइपोटोनिक पे आते हैं। हाइपोटोनिक केस में क्या होता है कि अब जो सोल्यूट है वो इनसाइड ज्यादा हो जाएगा, लाइक जो सेल है इसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, और बाहर सोल्यूट कम है। सो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो वाटर है H2O आउटसाइड, इस कंटेनर में जो वाटर है ये इनसाइड ट्रैवल करना शुरू करेगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग के बाद जो सेल है ये लार्ज हो जाएगा, ठीक है। जाहिर बात, जब पानी सेल के अंदर जाएगा उसने फैलना ही है, और फैलने के बाद इवन बाज दफा तो ये यहां से फट भी सकता है, सेल की जो सेल वाल होती है रैप्चर हो सकती है, सो सेल वाल कैन बी रैप्चर। अगर बहुत ज्यादा अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, लाइक जिस तरह आपको ये एनिमल सेल का केस नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर H2O वाटर ट्रेवल किया है,
और उसके बाद ये सेल वॉल इसकी रैप्चर हो गया। जबकि प्लांट सेल्स में थोड़ा डिफरेंट केस है कि प्लांट सेल्स में क्योंकि सेल वॉल मौजूद होती है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ, ठीक है, यानी जो इसको कह लेंगे टूटने से या इसकी सेल वॉल रप्चर होने से, फटने से बचाएगा, ठीक। सो वाटर जब इनसाइड द वैक्यूल ट्रेवल करता है या इनसाइड द सेल, इसका साइज तो इंक्रीज होता है लेकिन ये ब्लास्ट नहीं करता या फटता नहीं जैसे एनिमल सेल है। इसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर सेल वॉल होती है जो कि इसे महफूज रखती है, ठीक। सो ये नहीं, ये तीनों टोनिसिटी डिफाइन करें सॉल्यूशंस की, सल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से, ठीक। इस तरह एक और एग्जांपल है हमारे सामने, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, जिसके अंदर ब्लड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। सो हाइपरटोनिक के अंदर तो यह है कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सेल्स के अंदर से वाटर बाहर ट्रेवल करेगा, यानी सेल्स विल कह लें कि एग्जोस्मोसिस होगी वाटर की, एग्जोस्मोसिस होगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर कम होगा एज कंपेयर टू इनसाइड, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं, सो इसमें क्या है कि आइसोटोनिक का जितना वाटर अंदर आएगा इतना ही बाहर जाएगा, सो विल बी अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रही है। और जबकि यहाँ पे एग्ज ओस्मोसिस हो रही है, एग्ज ओस्मोसिस, इसके अंदर ऑस्मोसिस होगी, ठीक है, सिंपल ऑस्मोसिस, यानी वाटर जो है वो इनसाइड ट्रेवल करेगा इस कंडीशन के अंदर, ऑस्मोसिस। सो इवन इसमें देखिए अगर आप, तो कुछ सेल्स जो है वो रैप्चर भी हो रहे हैं, जब बहुत ज्यादा अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा सेल्स रैप्चर हो जाएंगे, सही। सो ये था हमारा जो वाटर रेगुलेशन सेल्स के, ठीक है, यानी कि सेल्स ने, अब सेल्स का ये इंटरनल इन्वायरमेंट बन जाएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट को वो किस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करें, यानी अगर सेल्स बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक सिचुएशन में जाएंगे तो फ्लेक्सिड हो जाएंगे या श्रिंक हो जाएंगे, आइसोटोनिक में जाएंगे नॉर्मल साइज में रहेंगे, और हाइपरटोनिक में जाएंगे तो बहुत ज्यादा सेल्स रप्चर होने के कंडीशंस आ सकती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम टोनिसिटी पे बहस करें मजीद, तो इसमें हमारे पास दो किस्म के एनवायरनमेंट थे, यानी एक इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट था सेल के अंदर, सही, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट था, दिस वाज एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सल्यूट की, ठीक है, यानी सल्यूट में क्या हो सकता है, मसलन नमक है, NaCl या शुगर्स हो सकती हैं, सॉल्यूट्स जो भी यानी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होगा भला इसका, सॉल्वेंट वाटर होगा, तो जाहिर बात है इसके अंदर वाटर है तो सॉल्वेंट मौजूद रहेगा हमेशा। सो सॉल्यूट अगर वाटर की निस्बत यानी यहाँ पे ज्यादा होगा सॉल्यूट, और अगर वाटर की कंसंट्रेशन रेशियोज निकाले अगर हम, अगर बाहर सॉल्यूट ज्यादा है सो इसे हमने हाइपरटोनिक कहा था, ठीक। अगर बाहर और अंदर बराबर होगा उसे हम आइसोटोनिक कहेंगे, और अगर अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। उसके फिर रिजल्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशंस आई थी, ठीक। अब इसी के एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, मसलन बाज का टॉन्सिलाइटिस, यानी जब टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे गले में मौजूद होते हैं, सो अगर इनका इन्फेक्शन हो तो ये फूल जाते हैं, ठीक है। वजह क्या होती है कि ये ब्लड में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, दे एक्सपेंड आउट, फूल फूल जाते हैं से। तो इसके मसले के अंदर डॉक्टर हमें एडवाइज करता है कि हम गरारे करें, या जिसे रिगर्गिटेशन कहते हैं, ठीक है, यानी हम साल्टेड वाटर जो होता है जिसके अंदर साल्टेड वाटर यूज करते हैं फॉर रिगर्गिटेशन। सो उसके अंदर साल्ट क्यों डाला जाता है भला, ताकि उसके अंदर जो हम वाटर यूज कर रहे हैं उसके अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि जो वाटर इसके अंदर अकोमुलेट हो चुका है वो बाहर आ सके, यानी वो दोबारा अपनी कंडीशन को गेन, मसलन यहाँ पे जो सेल्स है दे हैव गेन्ड वाटर, ठीक है, दे हैव गेन्ड वाटर, यानी इनके अंदर वाटर अकोमुलेट हो गया जिसकी वजह से इनका साइज बढ़ गया है, ठीक है। इनके साइज को वापस नॉर्मल लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, साल्टेड वाटर से रिगर्गिटेशन करवाते हैं, सही। सो ये बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है इसकी, जिसके अंदर हम टॉनिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेल्स के इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के दरमियान जो बैलेंस है, सेल्स के इंट्रा सेलुलर और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो वाटर कंसंट्रेशन का बैलेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सल्यूट्स के ऊपर, ठीक है। यानी जिस तरफ सल्यूट ज्यादा होगा ना पानी ने उस तरफ जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर सल्यूट अंदर ज्यादा है
एब्सोल्यूट इज मोर इन साइड, सो वाटर विल ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर, जिसकी वजह से इस सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह इस केस में हुआ, अगर टॉन्सिलाइटिस के केस में होता है कि अंदर सोल्यूट या कह लेंगे जो इन्फ्लेमेटरी मटेरियल होता है बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, ठीक, उसकी वजह से फिर जो वाटर है वो इन साइड ट्रेवल करता है, फिर उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक। फिर हम क्या करते हैं कि उसकी रेमेडी करने के लिए, ठीक है, यानी उसके हल के लिए फिर हम गरारे करते हैं, यानी अब हम जो एक्स्ट्रासेलुलर पानी इस्तेमाल करेंगे, जो हम पानी इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे, और इस टाइम फिर वाटर जो है वो अंदर से बाहर आएगा, ठीक है, और दोबारा इसके नॉर्मल साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये टॉनिसिटी थी जिसके अंदर सोल्यूट कंसेंट्रेशन और वाटर कंसेंट्रेशन को हम डिस्कस करें। सो हम लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने शुरू में बात की थी, एग्जाम्पल की थी एक ड्राई फ्रूट की, मतलब आप ड्राई फ्रूट को वाटर के कंटेनर में डालते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाता है, वजह क्या होती है कि वाटर उसके अंदर ट्रेवल करता है, ठीक, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट होता है उसके अंदर जो शुगर्स मौजूद होती हैं तो उसके अंदर सोल्यूट की ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है, तो वाटर बाहर से उसके अंदर मूव करेगा, उसका सेल साइज बढ़ जाएगा, ठीक। और इसको फिर हमने ऑस्मोसिस कहा, क्योंकि ये सिंपल डिफिन है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जा रहे हैं, लेकिन किसके जरिए जा रहे हैं, थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जरिए जा रहे हैं। फिर हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी, ये वाली, हमने कहा जी के एक इसमें जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन है ये इनसाइड ऑफ द सेल है, और जो डार्क या पेल या लाइट रेड कलर का थोड़ा सा है, ठीक है, ये एक्सट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है। सो अगर इनसाइड द सेल सोल्यूट कंसेंट्रेशन कम होगी और बाहर ज्यादा होगी तो हम उसे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कह देंगे, अगर दोनों में बैलेंस होगी तो इसे आइसोटोनिक, और अगर इनसाइड द सेल सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, सेल के अंदर ज्यादा साल्ट्स या आयंस वगैरह मौजूद होते हैं तो इसे हम हाइपरटोनिक कह देंगे। फिर उसका रिस्पांस पड़ा, मसलन एनिमल सेल्स जो से हैं वो हाइपरटोनिक के अंदर श्रिंक हो जाते हैं, अपना जो सा वाटर वो लूज कर देंगे, और आइसोटोनिक में उनका साइज नॉर्मल रहेगा, और जबकि हाइपरटोनिक में साइज बड़ा होगा और इवन बस्ट कर सकते हैं, वजह ये होती है कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल्स में ये था कि उनका भी सेल मास श्रिंक करता है हाइपरटोनिक के अंदर, और आइसोटोनिक में सेम रहेगा, और हाइपरटोनिक में उनका सेल मास इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन वो रैप्चर नहीं होंगे, वजह ये होगी उसके आउटर मोस्ट जो सी बाउंड्री है वो सेल वॉल है, ठीक है, ये बहुत रिजिड होती है, वो इसको रैप्चर होने से बचाती है। इसके बाद हमने ये आरबीसी का लाइथोसिस एग्जांपल पढ़ी के, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर वाटर आउटसाइड ट्रैवल करेगा और सेल साइज श्रिंक हो जाएगा, आइसोटोनिक के अंदर इसके अंदर बैलेंस रहेगा यानी सेल साइज मेंटेन रहेगा, और जबकि हाइपोटोनिक के अंदर जो सा है वो सेल इनसाइड द सेल ट्रैवल करेगा और इवन ये रैप्चर भी हो सकते हैं। सो ये यानी क्या लेंगे ऑस्मो रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स थी, और टोनिसिटी को डिफाइन की क्या हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। अगले लेक्चर्स के अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे।